MyCarom is the specialized online store of the carom boards. If you are looking for carom board, stand, lamp shades, caromin, striker, powder, carom cover, carom pockets or any other carom accessories, MyCarom is the one-stop solution. 100% original and genuine products you will get on MyCaromisit website. If you have query or doubt, call 8898757038. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशरफ खान और आप देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में फोर स्ट्रोक पार्ट टू के ऊपर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। नॉर्मली हम ये कॉइन को ऐसे ही मारेंगे, हमें ब्लैक कॉइन पॉकेट करना है, हम लोग इसको ऐसे ही मारेंगे। देखो फिर से एक बार देखते हैं, ये इस कॉइन को हमें मारना है तो हम लोग इस कॉइन को सीधा ऐसे ही मारेंगे। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक तो चांसेस है कि आपका डबल ड्यू भी हो, हर बार नहीं होगा लेकिन हो सकता है डबल ड्यू, चांस है, क्योंकि आप इसको परफेक्ट पॉकेट पे लगा रहे हो कॉइन और पॉकेट पे ही स्ट्राइकर मार रहे हो, तो आपका देखो बहुत बच गया है, तो डबल ड्यू होने के चांसेस है। और ये कॉइन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और दूसरी बात, एक तो डबल ड्यू होने के चांसेस है, और दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि आपके अपोनेंट को ये वाइट कॉइन देखो किधर आ रही है, बहुत इजी है आपके अपोनेंट को, तो आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। तो उसको आप इससे क्या क्या कर सकते हैं और आपके अपोनेंट को जो इतनी इजी थंब में आ रही है उसको थोड़ा डिफिकल्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इसको और इफेक्टिवली हम कैसे खेल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली स्ट्राइकर प्लेस करना है, पॉकेट पे बराबर कॉइन पॉकेट पे लगानी है जैसे पहले हम लोग लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम जब स्ट्राइकर मारेंगे तो स्ट्राइकर हमें पॉकेट में नहीं मारना, हमें स्ट्राइकर फ्रेम में मारना है। जब हम स्ट्राइकर फ्रेम में मारते हैं तो देखो क्या होता है, अब ये कॉइन आपकी यहाँ तक भी आ सकती है, समझो यहाँ की कॉइन मार रहे हो आप, सामने लग के ये कॉइन यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ की कॉइन मार रहे हो सामने लग के कॉइन यहाँ पे भी रुका सकते हो आप, तो इस तरह से डिफ़िकल्ट हो सकती है, मैं अभी आपको आगे आगे बताऊँगा। तो इसीलिए आपको जो स्ट्राइकर मारना है वो फ्रेम में मारना है। और इतना ही नहीं, आपकी ये कॉइन तो समझो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ से तो यहाँ पर रहेगी तो डिफ़िकल्टी रहेगी ऑब्वियसली। और दूसरी बात कि यहाँ पर कोई भी आपकी डिफ़िकल्ट कॉइन होगी, लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं कि ये ब्लैक कॉइन आपकी डिफ़िकल्ट है, ये ब्लैक कॉइन डिफ़िकल्ट है और इसकी मदद से आप इसको भी आसान कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, वही स्ट्राइकर हम लोग प्रॉपर लगाएंगे पॉकेट पे, ब्लैक कॉइन पॉकेट पे लगाएंगे और बस स्ट्राइकर हम लोग मारेंगे उसके ऊपर, ये कॉइन भी आसान हो गई। तो इसका इस्तेमाल क्या हुआ, एक तो ये कॉइन हम लोग समझो डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं लेकिन हमारी जो डिफ़िकल्ट कैरेमैन है उसको भी हम इससे ईजी कर सकते हैं। तो इससे अभी आप मोस्ट ऑफ द क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको अभी स्ट्रोक मार के बताता हूँ। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं क्या क्या है, पहले आपको प्रैक्टिकली कैरम पे बात करके समझा रहा था, अभी स्ट्रोक मारते हुए वॉइस ओवर देके समझाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों इजी है, मतलब एकदम पहले एकदम सर्कल के पास थी, फिर बीच में थी और फिर और बीच में आ गई और अब इस साइड में और लेके जाएंगे। देखो अब ये कॉइन मार रहे हैं, अब वाइट देखो कहाँ पे आई, तो वाइट ऑलमोस्ट एक टन प्लस हो गया है, वो हमारी जो बेस लाइन है उसके नीचे आ गई है, तो एक टन प्लस हो ही गया है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अपोनेंट वो कॉइन पे टन देगा। और ये देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार कॉइन डिफ़िकल्ट होगी लेकिन मैक्सिमम टाइम हो सकती है और थंब से ज़्यादा तो ये डिफ़िकल्ट है ही, हो सकता है इस पर पार्टी लगेगी सामने वाले की, और अगर आप उसको सही जोर जितना चाहिए उतना मारोगे तो वो रुकेगी भी आपके थंब के नीचे। देखो ये थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा स्लो मारते तो वो वहाँ पर रुक सकती थी। तो खैर बताने का मकसद ये है कि पीस 100% जाएगी लेकिन डिफेंस होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं, लेकिन जितना थंब में जाके रुकेगी उससे तो ज़्यादा ही हार्ड रहेगी सामने वाले को, तो ये एक थोड़ा एडवांटेज रहता है। अब डिफेंस की बात छोड़ दीजिए, अब ये बात देखिए कि हम हमारी डिफ़िकल्ट कॉइन इससे निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% निकलने वाली पीस है। आप उस पीस से कोई भी पीस कैरम की निकाल सकते हो, वो जोकर है आपका, बम है, तो मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगा एक एक करके। अभी आपने देखा एक ब्लैक हमने निकाली, अब एक और ब्लैक जो थोड़ी सी वाइड है, थोड़ी ज़्यादा दूर है, उसको भी हमने निकाला। मतलब ये नहीं कि बस सीधी लाइन में मारना है, आप कहीं भी स्ट्राइकर मार सकते हो। सिंपली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जो फोर स्ट्रोक है, जो फोर स्ट्रोक की ब्लैक आपकी पॉकेट में जा रही है उसको बस पॉकेट की लाइन में लगाना है, एक लाइन में ब्लैक आपका स्ट्राइकर और आपकी
पॉकेट ब्लैक और स्ट्राइकर आपका एक लाइन में लगाना है आपको, और स्ट्राइकर फ्रेम में मारना है जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे मारना है। आप स्ट्राइकर अलग अलग एंगल में मार के भी उस कॉइन को बड़ी आसानी से पॉकेट कर सकते हो। तो ये जो रिटर्न मारने के लिए पीस थी उसको रिटर्न मारने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये पोजीशन था, हमने उसको उससे रिटर्न मारने के बजाय हमने उसको थंब में लेके आए। अब वो पहले वाली तो खैर रिटर्न बहुत आसान थी, उसको इतना मारने के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलें होती नहीं, लेकिन ये वाला तो बहुत ज़्यादा टफ़ है जो आप देख सकते हो सर्कल पे रखी हुई है, तो ये बहुत टफ़ है। तो ये इतनी ज़्यादा टफ थी फिर भी उसको हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, आप देखो मेरा स्ट्राइकर एक अलग एंगल में जा रहा है, मेरी वाइट एक अलग एंगल में जा रही है, और मेरी ब्लैक पॉकेट में जा रही है, तीनों अलग अलग एंगल में जा रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वाइट पे भी आपने स्ट्राइकर नहीं मारना, जैसे हमने बोला पॉकेट में स्ट्राइकर नहीं मारना है वैसे वाइट पे भी नहीं मारना है। अगर आपने वाइट पे मारा तो आप मन चाहे एंगल पे आप स्ट्राइकर नहीं लेके जा सकते, तो आपका ब्लैक कॉइन, आपकी वाइट कॉइन और आपका स्ट्राइकर तीनों अलग अलग एंगल में जाना चाहिए। देखो सिंपली उसमें ये, इसमें भी यही है, ब्लैक अलग जा रही है, वाइट अलग जा रही है और आपका स्ट्राइकर अलग जा रहा है। खैर अभी ये जो थंब के अंदर की पीस थी उसको हमने निकालने की कोशिश करी, तो सामने वाली फ्रेम में, साइड वाली फ्रेम में डिफिकल्ट है, अगर बेस वाली फ्रेम में भी डिफिकल्ट है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। खैर वो निकली नहीं, तो हमने उसको एक डबल शॉट मारा, थंब वाला डबल शॉट मारा, तो हम इसको एक और बार अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे इस बार निकलती है या नहीं। तो बिल्कुल निकल सकती है दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप कहीं की भी कॉइन ये स्ट्रोक की मदद से निकाल सकते हो। सीधा सीधा जोकर है आपका, देखो तीनों कॉइन अलग अलग एंगल में जा रही है, सीधा सीधा जोकर है, फंसी हुई कॉइन थंब के अंदर की बड़ी आसानी से हमने इससे रिलीज करी, और ये स्ट्रोक बहुत काम का है। ये पार्ट 3 है, एक और पार्ट आने वाला है पार्ट 4 जो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल देखने मिल जाएगा। तो ये देखो ये स्ट्रोक जो मतलब दूसरी साइड में रिटर्न के लिए थी उसको भी हमने इजी करा, तो आप कहीं की भी पीस इससे निकाल सकते हो। बस कंडीशन ये है कि पॉकेट पे स्ट्राइकर लगाना है और उसके बाद में पॉकेट पे पीस जाए ऐसे लाइन में लगाना है, उसके बाद में जहाँ पे चाहिए वहाँ पे स्ट्राइकर मारना, और तीनों अलग लाइन में जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।